रियलमी बड्स एयर एयरबड्स, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, और इसके डिज़ाइन को आप चाहे कॉपी कह लें या इंस्पायर कह लें, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो बातें मैं इसमें कह सकता हूँ, ये आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी तो नहीं देगा इस प्राइस सेगमेंट पे, आपको और अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन जो इसका डिज़ाइन, जो इसका फीचर्स है, जो इसमें कन्वीनियंस फैक्टर दिया गया है, वो नो डाउट इसको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बनाता है अगर आप अंडर 4K में एक TWS ईयरबड्स लेना चाहते हैं। ये अंदर से कैसे काम करता है आज हम वो देखने वाले हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इस बड्स एयर का टीयर डाउन। चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये हमें पता लगाना है कि इसको ओपन कहाँ से करें। तो बाहर से तो कोई भी स्क्रूज़ आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद कोई हिडन स्क्रूज़ हो सकते हैं, जहाँ तक मैं सोच रहा था कि ईयरबड्स जहाँ पर लगाए जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चार्जिंग कनेक्टर इनसाइड है और शायद कुछ मैग्नेट्स भी होंगे, तो हमें दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। ये हल्का सा यहाँ पर आपको गैप दिख रहा होगा, स्मॉल सा गैप है, ये लॉक मैकेनिज्म पे बनाया गया है, यानी कि आप जैसे ही प्रेस करेंगे अंदर 3 से 4 यहाँ पे लॉक्स होंगे जिसके थ्रू ये लॉक हो गया होगा। तो कुछ शार्प ऑब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उस गैप में एक यू नो पतला सा गैप बना सकें, लेकिन चूंकि ये प्लास्टिक का है तो मैं प्लास्टिक गैजेट्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगा, तो हमें कुछ पतली सी चीज़ लेनी होगी। तो उसके लिए बेस्ट है मेरी ये ड्यूरेबिलिटी नाइफ, जो काफ़ी शार्प ही है और काफ़ी पतले इसके ब्लेड्स हैं जो आसानी से अंदर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ माइनर कॉस्मेटिक डैमेज तो ऑब्वियसली होगा ही। अब ये एक साइड इफेक्ट है, शायद यहाँ पे स्क्रूज़ होते तो रिपेयर अच्छा होता, लेकिन कंपनी नहीं चाहती आप इसको रिपेयर कराएं, तो इसीलिए ऐसा बनाया गया होगा। तो ये दो लॉक ओपन हो चुके हैं, ये थर्ड लॉक है और उसके अपोजिट में जस्ट ये फोर्थ लॉक है। इस तरह आपके बड्स एयर बाहर आ जाएंगे इन केस कोई प्रॉब्लम आती है या आप देखना चाहते हैं तो। और ये छोटा सा बटन यहाँ पर है जो लगा है, और ऐसा कुछ दिखता है, ये बड्स एयर वायरलेस चार्जिंग कॉइल पीछे दिख रही है एंड दो फ्लेक्स केबल्स हैं। मैं आपको कुछ मेन कंपोनेंट्स जो मदरबोर्ड के हैं वो भी बताऊंगा कैसे हैं देखने में। तो फिलहाल हम कुछ ग्लूज़ यहाँ पे लगे हैं टेप उस फ्लेक्स केबल्स के ऊपर, उनको हम हटाते हैं। ये दो मेन कंपोनेंट हैं, शायद इसीलिए ये प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो ओपन करने के लिए मुझे टोटल 4 स्क्रूज़ दिख रहे हैं, 2 जो मदरबोर्ड को एक अगेन सेकेंड प्लास्टिक फ्रेम पर लगाए गए हैं, वो 2 फ्रेम अगेन इस येलो केस में फिक्स किए गए हैं। कुछ ऐसी इसकी वायरलेस चार्जिंग कॉइल दिखती है, ये आपको दूर से दिख रहा होगा कि एक थिक सा वायर है, लेकिन ये असल में बहुत से पतले पतले तार हैं जो एक कॉइल के फॉर्म में अरेंज किए गए। शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंडक्शन कॉइल कैसे चलती है। और ये फर्स्ट फ्लेक्स केबल तो मैंने हटा दी, ये सेकंड फ्लेक्स केबल है जो चार्जिंग कनेक्टर लग रही है, जो ईयरबड्स में इटसेल्फ एक छोटी सी बैटरी है। मदरबोर्ड मैंने सेपरेट कर लिया है और हम इस पार्ट को देखते हैं कैसा है ये। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो दो बड़े मैग्नेट हैं ये आपके ईयरबड्स को होल्ड करते हैं और काफ़ी स्ट्रांग हैं ये। तो बड्स में जहाँ पर जो आप ईयर में फिक्स करते हैं वहाँ पर कुछ मेटल लगाया गया होगा, वो यहाँ पर काफ़ी टाइटली स्टिक रहता है, शायद इसीलिए बाहर नहीं आता है। और जो फ्लैप यहाँ पे दिया गया है केस में, उसके लिए जो छोटे मैग्नेट हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए फ्लैप काफ़ी यू नो मजबूत सा भी फील हो रहा है। इसको मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ, मेरा एम ये है कि ये वर्किंग कंडीशन में रहे। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये जो वायरलेस चार्जिंग कॉइल है और जो बैटरी पे कनेक्टर, कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, तो ये स्क्रूज़ नहीं, ये सोल्डर्ड बैटरी में है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, तो मैं इनको अलग नहीं कर रहा हूँ यहाँ से। बस फ्रंट में मदरबोर्ड है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है जो इस पीसीबी पे कनेक्टेड है और ये बैटरी पे जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप देखेंगे, जैसे कि जो वायरलेस चार्जिंग कॉइल है, ये आपकी ये जो मॉड्यूल है कोपो, इसके थ्रू ये मैनेज करती है कम्प्लीटली। तो ये जो इंडिविजुअल दो आपने पॉइंट देखे, ये फ्लेक्स केबल से चार्ज होते हैं और ये फ्लेक्स केबल यहाँ पे लगती है ये, और जो मेन मॉड्यूल कोपो है ये आपका मैनेज करता है इस कंप्लीट पावर मैनेजमेंट को, यानी कि वायरलेस चार्ज करना है या टाइम से चार्जिंग आ रही है, तो ये मॉड्यूल इसका जो है एंटिटी है ये इसको कंप्लीटली हैंडल करती है। कोपो अच्छा नाम है, आप इसका फुल फॉर्म सर्च कर लीजिएगा। और ये F3 F5 ऑडियो एम्पलीफायर हैं जिसके थ्रू इसका साउंड कंट्रोल होता है, साउंड जैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं या जो भी प्री बिल्ड इसमें बैस बूस जो भी है वो इसके थ्रू कंट्रोल होता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पीसीबी एलईडी है, ये मॉड्यूल जो चार्जिंग लाइट है और जो पेयरिंग लाइट है ये वो कंट्रोल करती है यहाँ पे।
तो यही मेन कंपोनेंट्स थे इस मदरबोर्ड पे। टोटल 4 इंपॉर्टेंट आईसीज लगाई गई हैं जिसके थ्रू आप अच्छी साउंड क्वालिटी जो भी फीचर्स इसमें पा रहे हैं। अब इसको मैं दोबारा रीअसेंबल करता हूँ और हम चेक करेंगे क्या ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने इसको यू नो 4 स्क्रूज को आपको दोबारा उसी प्लेस पे लगाना है, मदरबोर्ड फर्स्ट राइट एंड लेफ्ट जो है, और उसके बाद मदरबोर्ड इटसेल्फ उस केस में जो येलो केस है वहाँ पे फिक्स करना है। ये फिक्स हो जाएंगे ऐसे बहुत ही आसानी से। एंड आफ्टर दैट जो फ्लेक्स केबल है चार्जिंग की ईयरबड्स की, उसको मदरबोर्ड पे स्टिक करना है। यहाँ पे एक छोटा सा लॉक मैकेनिज्म लगाया गया था। और ये रही आपकी पीसीबी एलईडी जो अगेन फिक्स हो गई उसमें। इस टेप को अगेन कवर कर देते हैं, वायरलेस चार्जिंग कॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये केस से टच ना हो। और ये रहे आपके ईयरबड्स। अब हम चेक करते हैं इसको, फोन से कनेक्ट करते हैं सील करने से पहले। गूगल फास्ट पेयरिंग है, आपको पहले फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है और फ्लैप को जैसे ओपन करेंगे इंस्टेंटली ये कनेक्टिंग मोड में आ जाता है। बड्स ऑप्शनल है, चाहे आप निकालें ना निकालें आसानी से कनेक्ट करें, यानी कि हमारा गैजेट परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। ये थोड़ा गाइस एक छोटा सा टीयर डाउन इस छोटे से गैजेट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने थॉट्स जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन एज ऑलवेज, हैव अ ग्रेट डे।